तिलक भी वहां पर वापस आया, उसने भी चेक। डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। निम्बाहेड़ा के बहुचर्चित बंटी उर्फ विकास अंजना हत्याकांड के दो आरोपियों की आज चश्मदीदों के समक्ष शिनाख्त परेड कराई गई। इसके लिए निम्बाहेड़ा उप कारागृह में उपखंड मजिस्ट्रेट रमेश सीरवी की उपस्थित में चश्मदीद देवेंद्र कुमावत और विकास अंजना को उप कारागृह बुलाया गया। उनके समक्ष दोनों ही आरोपियों पिपलिया मंडी मंदसौर निवासी अजय पाल पुत्र प्रभुलाल जाट और पित्याखेड़ी थाना वाईडी नगर मंदसौर के सुरेश पुत्र किशोर जाट के साथ जेल प्रशासन द्वारा कुछ अन्य बंदियों की परेड कराई गई। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया जी में पहुंचकर भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन किए। व्यास ने गुरुवार शाम को सपरिवार सांवलिया जी पहुंचकर भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन किए। सर्वप्रथम स्थानीय गोकुल विश्रांति गृह में पुलिस थाना मंडफिया सांवलिया जी के पुलिस कर्मियों के द्वारा जस्टिस व्यास को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोलेंद्र में पिछले दिनों 28 वर्षीय नवयुवक छविलाल वर्मा की लाश संबंधित अवस्था में ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं डोंगरगढ़ की पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीम बनाकर पूरी मामले की जाँच की जा रही थी। 11 फरवरी को एक सूचना मिली थी, ग्राम कोलेंद्रा चौकी क्षेत्र में एक युवक की डेड बॉडी मिली हुई है खेत के किनारे में करके। ग्राम कोटवार के द्वारा सूचना दी गई थी, जिसकी तस्दीक की गई। कोलेंद्रा निवासी छविलाल वर्मा 28 वर्षीय युवक खेत में पानी देने गए थे और एक निर्धारित समय रहता था जिस समय वो काम से घर वापस आते थे। उनके घर वाले जब उस समय पर नहीं आए तो सूचना दिए, स्पॉट पर देखे कि उनकी बॉडी है और मिली हुई है और सर पे गंभीर चोट थी, जैसे किसी डंडे या पत्थर से मार दिया गया है सर पे, बहुत घातक चोट। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। मौके पर SDOP साहब प्रभात पटेल और थाने की टीम चौकी की टीम पहुंची। चूँकि रात हो गया था करके डेड बॉडी का पंचनामा और नहीं किया जा सकता था, इसलिए सुरक्षार्थ उसको रखा गया, मर्ग इंटीमेशन लिया गया, सुबह 100 पंचनामा किया गया, अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद आरोपी पता साजी की गई। आरोपियों के पतासाजी पर ये पता चला कि इनके पड़ोस में ही इनके जो रिश्तेदार हैं, इनका पैतृक विवाद है लगभग 3 पीढ़ियों से ज़मीन को लेकर के। इनके चाचा के बेटे तिलक और उनकी माँ राम कुंवर, इनके साथ में इनके कई बार विवाद हो चुके हैं और भी बहुत सारे संदेह जाहिर किए गए थे, जिसको खोजबीन जारी रही। अंतिम में ये पता चला संदेहों की पूछताछ पर कि जिस दिन मृतक समय पर नहीं पहुंचा था, उस समय पर कुंवर राम कुंवर जो हैं तिलक की माँ, वो गई हुई थी वहीं खेत के किसी काम से, और इनका पुराना ज़मीनी विवाद था। वहाँ पर भी ज़मीन के विवाद को लेकर के इन दोनों के बीच में बहस हुआ, गाली गलौच हुआ। राम कुंवर ने पत्थर और डंडे से छवि को सर पे चोट पहुँचाया, जिससे उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। इस बात की जानकारी इसने घर में जा कर के अपने बेटे तिलक को दी। तिलक भी वहाँ पर वापस आया, उसने भी चेक किया, देखा उस समय तिलक की मृत्यु हुई या नहीं करके, उसने भी उसको चोट पहुँचाया, जिससे वो उसकी मृत्यु वहीं हो गई। उसके बाद डेड बॉडी को, अपने आप को और अपनी माँ को बचाने के लिए इसने डेड बॉडी को उठा करके सड़क के किनारे रख दिया और उसकी साइकिल को भी मृतक छविलाल की, ताकि ये दुर्घटना लगे, और वहाँ से ये चले गए। पूछताछ हिरासत में लेकर के इनकी पूछताछ की गई, इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त पत्थर डंडा और खून से लगे हुए कपड़े मेमोरेंडम के तहत इनसे जब्त किया गया है। आज इनको विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रिमांड पर पेश किया जा रहा है। BSF 30 की बटालियन द्वारा ग्रामीणों के दिलों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने व मुख्य धारा में शामिल करने कोयली बेड़ा में नागरिक सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कोयली बेड़ा तुरसानी मरकर नारवा जिरमत राय के 200 से अधिक ग्रामीण शामिल हुए। वहीं दूसरी ग्रामीण निवासियों को मुख्य धारा में शामिल होने हेतु एक पहल के तौर पर ग्राम दुत्ता कांकेर में नागरिक सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
पुलिसिंग व्यवस्था पर कसावट लाने के उद्देश्य छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के बाद अंबिकापुर शहरवासियों को मणिपुर चौकी को थाने के रूप में सौगात दी गई, जो स्वतंत्र थाना के रूप में उन्नयन किया गया है। वहीं क्षेत्र की बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर के बीचों बीच स्थित होली क्रॉस हॉस्पिटल के पास होली क्रॉस चौकी का शुभारंभ किया गया। हालांकि राज्य सरकार के आदेश के बाद मैनपोर्ट कार्निवाल में पहुंचे प्रभारी मंत्री शिव डहरिया व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने 14 जनवरी को ही इसकी घोषणा कर दी थी, जिसके बाद आज 17 जनवरी को रेंज के आईजी रामगोपाल वर्मा ने फीता काट इसका शुभारंभ किया। मणिपुर चौकी से थाना का उन्नयन का शासन का आदेश प्राप्त हुआ था, तो इस विषय पर औपचारिक उद्घाटन 14 फरवरी को मैनपाट महोत्सव के दौरान माननीय मंत्री श्री शिव डहरिया जी और श्री अमरजीत भगत जी के कर कमलों द्वारा किया गया था, जिसका कि आज हमने ग्राउंड पर उद्घाटन किया है, जहाँ से रोजनामचा यहाँ का चालू हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस थाना क्षेत्र अंतर्गत जो 17 गांव और 5 जो वार्ड आते हैं, उनके लोगों को ये सुरक्षा प्रदान करने में और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में उपयोगी साबित होगा। सर, पहले चौकी था, अब थाना हो गया है, कितना एरिया आएगा सर पूरा इसमें, किस प्रकार से सुरक्षा रहेगी इसमें? जैसे मैंने अभी बताया, 17 गांव और 5 वार्ड आएंगे, और सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो अभी पहले इनको यहाँ पे जो भी FIR होती थी वो 0 में होती थी और उसकी नंबरिंग जाके कोतवाली में होती थी, तो आपसे यहीं FIR हो पाएगी और जो भी डायरेक्ट पुलिस की सुविधाएं यहाँ से मिल पाएंगे। मामला MCB जिला के मनेंद्रगढ़ में आने वाले हसदेव नदी का है, जहां रेत माफिया बिना किसी डर भय के दिन के उजाले में ही रेत का अवैध उत्खनन करते नजर आ जाते हैं। सूत्रों की माने तो इनके ऊपर रसूक एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का हाथ होना बताया जा रहा है, जिससे अधिकारी भी अपने ट्रांसफर के डर से इन माफियाओं पर कार्यवाही करने में कतराते हैं, या यूं कहें कि शायद इन्हें कार्यवाही के लिए बाधित किया गया हो, इसलिए तो अधिकारी जिला मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर ही इस तरह की अवैध कार्य पर अंकुश लगाने में अक्षम नजर आते हैं। कामरेड मट्टू दंपत्ति की ओर से अपने स्वर्गीय पुत्र अमनदीप मट्टू की याद को समर्पित 15वां सर्वेच्छा खूनदान कैंप बस स्टैंड गढ़शंकर में ब्लड बैंक नवा शहर के सहयोग से लगाया गया। इस अवसर पर सर्व इच्छा से खूनदान करने वाले नौजवानों में भारी उत्साह था। इस कैंप में खूनदान करने वाले नौजवानों के टेस्ट डॉक्टर अजय बग्गा रिटायर्ड सिविल सर्जन के नेतृत्व में पहला टेस्ट किए गए, उपरांत खूनदान किया गया। इस अवसर पर खूनदानियों के लिए दूध और फ्रूट से अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी दिए गए। जी सर, ये खूनदान कैंप लाया है रिकॉर्डिंग। ये खूनदान कैंप कामरेड दर्शन सिंह जी मट्टू वालों अपने स्वर्गीय पुत्र काका अमनदीप मट्टू की याद के लगाया गया है। एक उन्होंने बहुत वधिया तरीका लभ्या अपने प्यारे नूं याद करन दा। इस तरीके दे नाल की है कि असीं किसी दे जीवन नूं बचाउण दे विच सहायता करते हैं। खूनदान हर व्यक्ति जिदी उम्र 18 साल तो वध होवे, 65 साल तो घट होवे, उसनू खूनदान नू अपने जीवन का निखणवा हिस्सा बनाना चाहिए, ता जो हस्पतालों के खून की घाट सदका दाखल मरीजों की बुझ रही जीवन जोत नू जगमगाए रखन विच मदद मिल सके। इन्हां शब्दों के नाल मैं कामरेड दर्शन सिंह मट्टू जी के सपुत्र काका अमनदीप नू अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लोकहित में जन कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं प्रशासन तो हरिद्वार को सही मायने में सार्थक करने के लिए बस्तर में पहली बार यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों निःशक्त दिव्यांगजन इसकी लाभ ले रहे हैं। वहीं बस्तर सांसद दीपक बैज के द्वारा 4 फरवरी को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम शुभारंभ किया था। 2023 दिव्यांगजनों के लिए वृहद समाधान शिविर, यह आज हमारा 6वां पड़ाव है, और इसके पहले हम लोगों ने बस्तर ज़िले के 5 ब्लॉक में ये कार्यक्रम किया है और हजारों लोग जो हैं उसका फ़ायदा उठा है। आज इसी कड़ी में बस्तर ज़िले में हमारा यह काम कैंप है, और आप देख रहे होंगे अभी तक जो है 500 के ऊपर लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और उसके बाद भी अभी रजिस्ट्रेशन काउंटर में भीड़ लगी हुई है। इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य यही था कि एक छत के नीचे दिव्यांगों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाए, जैसे कि आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, परिवहन पास, राशन कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड। इसके अलावा इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता ये भी है कि हमारी छत्तीसगढ़ शासन का जो एक उद्देश्य चल रहा है कि प्रशासन तुहर द्वार, उसको समाज कल्याण विभाग ने पूर्ण रूप से सार्थक किया है। इस शिविर को आज लगाने के पूर्व हम लोग
पूरे 8 दिन बस्तर ब्लॉक के हर पंचायत में गए, हर उस दिव्यांग के घर में गए जिसको यहाँ पर हमें लेकर आना था। उस घर में जाकर उनके 21 तरह की प्रश्नोत्तरी हमने ली, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें हैं उसको भी हमने नोट डाउन किया, और जल्द ही जो सहायक उपकरण का एक कॉलम उसमें था, जिन जिन दिव्यांगों को जिस जिस सहायक उपकरण की ज़रूरत है उसका कैंप जल्द ही हम लोग लगाने वाले हैं जो जिला स्तर पर किया जाएगा। इस शिविर में दिव्यांगजन लाभ ले रहे हैं? इस शिविर में कितने दिव्यांगजन लाभ ले रहे हैं इसका जवाब तो आज शाम के 6-7 बजे के बाद ही पता चलेगा। अभी तक जो है 500 के ऊपर पंजीयन हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1000 लोगों का पंजीयन तो हो ही जाएगा, क्योंकि बकावन में हमने 1264 लोगों का पंजीयन किया था, तो लगभग वो ब्लॉक भी इतना ही बड़ा है, तो हमारी अपेक्षा यही है कि यहाँ पर भी 1000 लोगों के ऊपर लोग लाभान्वित हो। भाजपा जिला कार्यकारिणी सरगुजा के द्वारा बस्तर संभाग में नक्सलियों के द्वारा 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में सरगुजा जिले के समस्त मंडलों में आज दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चक्का जाम किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, साथ ही प्रदेश सरकार के ऊपर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा जनतंत्र के माध्यम से नहीं भय तंत्र के माध्यम से सत्ता हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। एक मिनट बोलिए। आज हम लोग बतौली के इस बगीचा चौक पे बस्तर में जो हमारे 4 कार्यकर्ताओं शहीद हुए हैं उनकी याद में पूरे प्रदेश के आह्वान पर यहाँ चक्का जाम किए थे, और मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह निवेदन नागरिकों के प्रति हमारे मंडल के महामंत्री चलिए सभी नागरिकों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, यहाँ के प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे इस चक्का जाम में बतौली के पूरे नागरिकों ने सहयोग किया और हमारे उन मृत 4 शहीद साथियों को जो बस्तर में शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धा। चारामा क्षेत्र के ग्राम जैसा कर्रा के पास सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रक को बाइक चालक ने पीछे से मारी ठोकर। बाइक में एक ही परिवार के 3 लोग थे सवार। बाप बेटी की घटना स्थल पर हुई मौत। महिला गंभीर रूप से घायल। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाइक सवार शादी कार्यक्रम में शामिल होने बालोद की ओर जा रहे थे। चारामा थाना क्षेत्र का है मामला। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर खटीमा पुलिस ने किया कड़ा प्रबंध, साथ ही उन कांवड़ियों को रोड के किनारे चलने को दिया हिदायत, जिस दौरान कोई भी दुर्घटना ना हो सके। इस दौरान खटीमा सीओ वीर सिंह कांवड़ियों के बीच पहुंचकर उनका हालचाल जाना तथा उनको पुलिस द्वारा सहायता देने के लिए भी कहा। एक तरफ हर साल की तरह कांवड़ यात्रा महाशिवरात्रि के पर्व पर निकाली जाती है, वहीं इस साल भी खटीमा में कांवड़ियों की भीड़ बड़ी लगन के साथ निकाली जा रही है। आज खटीमा झनकया पकड़िया बंगाली कॉलोनी में भी हर साल ऐसे ही कावड़ियों की सेवा की जाती है। शिवहरी काली मंदिर समिति द्वारा जो शिव कावड़ लेकर आते हैं उनकी सेवा हेतु समिति द्वारा उनके भोजन व विश्राम की उचित व्यवस्था की जाती है। आज पहले दिन ही भारी संख्या में कावड़ियों यहां मंदिर में पहुंचे हैं। शिवहरी काली मंदिर समिति द्वारा कावड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। जो कांवड़ यात्रा चल रही है तो इसमें हमारे द्वारा जो भी कांवड़ रूट है उस पर ड्यूटी लगा रखी है, और जो जहाँ पे भी रुक रहे हैं तो वहाँ पे भी हम संपर्क में हैं और लगातार जो कांवड़िए हैं उनसे भी बात कर रहे हैं कि सड़क के किनारे कुछ भी सावधानी से चलें, है ना, और बाकी हमारा फोर्स भी लगाई है, लेकिन अगर बीच सड़क पर चलेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, इसलिए खुद भी सड़क के किनारे चलना है और देख के सेफली चलना है, ये हम सभी कांवड़ियों को ये हम बता रहे हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। नमस्कार। वेलकम टू मणिपुर, अ स्टेट दैट्स वेटिंग टू एन्चेंट यू विद द जूल्स ऑफ नेचर।